हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टिकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा पेजियो आपे एक्स्ट्रा एलडीएस 2019। दोस्तों, पेजियो ने इस गाड़ी का और एक अपग्रेड वर्जन भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और मैंने उसका भी वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उस वीडियो अभी तक नहीं देखा तो फिर आप ऊपर आई बटन में उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को इस गाड़ी का हाईलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा श्री विनायक ऑटोमोबाइल्स को, क्योंकि उन लोग का सपोर्ट के वजह दोस्तों वीडियो बन पा रहा है और आप स्क्रीन पर भी दोस्तों एड्रेस दे सकते हैं। बात करें दोस्तों इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस शुरू होता है 2 लाख रुपये से। यदि आप इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं, इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस लगभग आएगा 2,40,000 रुपये। यदि आप फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो फिर आपको लगभग 40,000 रुपये दोस्तों देना पड़ेगा, जिसके साथ आपको मंथली EMI 6,500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। और इसके बारे में यदि आप एक्यूरेट प्राइस जानना चाहते हैं तो फिर शोरूम ऑफिशियल से बात कीजिए। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का फ्रंट लुक की, तो फिर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों इस गाड़ी का हेडलैम्प, और उसके साइड में आप देख सकते हैं वो इस गाड़ी का इंडिकेटर। सामने दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आपे एक्स्ट्रा लॉन्ग LDX का क्रोम फिनिश में बैजिंग, और आप दोस्तों देख सकते हैं ये दिखने में बहुत ही शानदार लगता है। और इस गाड़ी का फ्रंट लुक वही नॉर्मल जैसा है, इसमें अभी कंपनी ने कुछ चेंजेस नहीं किया है। बात करें दोस्तों इस गाड़ी के टायर के बारे में, इस गाड़ी में लगा गया है 10 इंच का टायर जिसका प्लाई रेटिंग है 8। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का सस्पेंशन के बारे में, सामने आपको देखने को मिलता है हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर स्प्रिंग डिपेंशन के साथ, और दोस्तों पीछे भी आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिलता है। और आप इस गाड़ी का पीछे वाला लुक भी देख सकते हैं, पीछे आपको पेजियो आपे का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा, और ये है दोस्तों इस गाड़ी के पीछे वाला लाइट्स, और इसके नीचे लगा गया है इस गाड़ी का इंजन। दोस्तों, बात करें इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, आप देख सकते हैं ये है दोस्तों इस गाड़ी का फ्यूल टैंक। इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10.5 लीटर। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डीजल का मार्किंग भी देखने को मिल जाता है। बात करें इस गाड़ी के इंजन की, इस गाड़ी में लगा गया है सिंगल सिलेंडर नेचुरल एस्पायर एयर कूल्ड इंजन। और इस गाड़ी का इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इस गाड़ी का इंजन डिस्प्लेसमेंट है 435 cc, 8.4 HP का पावर और 21 Nm का आपको इस गाड़ी में टॉर्क मिलता है। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का माइलेज के बारे में, कंपनी के हिसाब से इस गाड़ी का माइलेज आपको 30 किलोमीटर के आसपास मिल जाता है। और इस गाड़ी का पेलोड कैपेसिटी है 537 kg। आप मैक्सिमम इस गाड़ी में 1 टन के आसपास लोड ले सकते हैं। और इस गाड़ी का डेक में आपको एक्स्ट्रा LDX का मार्किंग भी देखने को मिलता है। इस गाड़ी का कार्गो बॉडी का लंबाई है 5 फीट 4 इंच, और इस गाड़ी का कार्गो बॉडी का चौड़ाई है 4 फीट 6 इंच। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन। चलिए इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, और इस गाड़ी का अभी एक और एक वेरिएंट भी आ चुका है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ LDX प्लस वेरिएंट, जो कि CNG और LPG के साथ आता है। और दोस्तों, इस गाड़ी में आपको नॉर्मल सीट देखने को मिलता है, और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मल स्विचेस देखने को मिलेगा। उसके साथ आप सामने देख सकते हैं आपको 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है। म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए भी आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। और बात करें दोस्तों इस गाड़ी के गियर के बारे में, आपको इस गाड़ी में 4 स्पीड गियर मिलता है, 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो हैंडल है, इसमें आपको बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी का स्विच देखने को मिलता है। मगर पेजियो का एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है कि आपको यहाँ पर स्टोरेज का कभी प्रॉब्लम नहीं होता। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको देखने को मिलेगा स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, और इस गाड़ी का फ्यूल गॉज, और गाड़ी के बारे में और छोटा मोटा जानकारी दोस्तों देखने को मिल जाता है। पेजियो की सभी गाड़ियों में आपको म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन देखने में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। और यदि आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये गाड़ी बहुत ही सही होगा। दोस्तों, ये था इस गाड़ी का छोटा सा रिव्यू। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फिर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।